तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मोबाइल पर कोचिंग चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेली यूज वर्ड मीनिंग। क्या भैया? डेली यूज वर्ड मीनिंग, जो कि आप हिंदी में रोज इन्हें बोलते हैं, बट इंग्लिश में आपको ये नहीं आती है। इंग्लिश में आपको ये नहीं आती जो डेली यूज वर्ड मीनिंग है, इसको आपको सीखना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। इंग्लिश सीखना बहुत ही ज्यादा इस समय कंपलसरी है, क्योंकि आप कोई भी बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, कोई भी एग्जाम हो ऑल टोटल, उसमें इंग्लिश का होना अनिवार्य है। इंग्लिश आपको आना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इंग्लिश का भाई डिमांड इस समय है। जो भी फॉर्म आ रहे हैं इंग्लिश में भरे जा रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। तो इस समय देखिए, डेली यूज वर्ड मीनिंग, ये आपकी पहली क्लास होने वाली है, बहुत ही ज्यादा शानदार, एकदम जीरो लेवल से आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। जैसे आप बोलते हैं घर पे मैं तुम खाए नहाए, ये सबकी आपको वर्ड मीनिंग इस चैनल के प्रति मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की हमारी ये पहली क्लास है। पहली क्लास कौन सी क्लास? पहली क्लास तो है। आइए आज की सबसे पहली क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वह है आई। आई क्या है भैया? आई, तो आई का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम हिंदी शुरुआत करते हैं, हिंदी से इंग्लिश। तो आप तो घर पे बोलते हैं मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं खाने जा रहा हूँ, आप ऐसे बोलते हैं ना। तो मैं, ये तो जो मैं है, तो मैं को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैं को इंग्लिश में बोलेंगे आई। बस ऐसे आप आई लिख देंगे, हो जाएगा मैं। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई। मैं को इंग्लिश में आई। आई होप क्लियर हो गया होगा, मैं को इंग्लिश में आई। इसको आप नोट करते चलिए, एक नोट्स बनाइए। नोट्स, अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको ये मैं जो बता रहा हूँ ये सब आप लिखते जाएंगे, और आराम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इंग्लिश आसानी से सीखते चले जाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड हमारा है भैया मैं का मतलब होता है आई। मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। नेक्स्ट है भैया तुम या आप बोलते हैं ना, तुम या आप, इस तरह आप बोलते हैं। तुम या आप को इंग्लिश में बोलते हैं यू, या तुम बोलो या आप। ऐसे आपसे कोई बड़ा रहेगा तो आप बोलेंगे आप, अगर आपसे कोई छोटा रहेगा तो वो आप बोलेंगे तुम। वही आप और तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। आप और तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, और तुम और आप, यू का मतलब तुम और आप। नेक्स्ट है हम, ऐसे हम नहीं बोलते हैं हम लोग मैच खेलने जा रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, हम लोग हॉकी खेलने जा रहे हैं। तो वैसे ही हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? वी। हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी। नेक्स्ट है वे। वे हम नहीं बोलते हैं वे लोग क्या कर रहे हैं, वे लोग मैच खेल रहे हैं, वे लोग गाना गा रहे हैं, तो ऐसे बोलते हैं ना वे। जब बहुत सारे लोग रहते हैं और हमसे दूर रहते हैं तो वे बोलते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए वे को इंग्लिश में बोलते हैं भैया दे। वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये चार वर्ड मीनिंग बहुत ज्यादा आसान है, ये सब आप बोलते हैं घर पे, ये सब आप बोलते हैं घर पे, मैं तुम हम वे, ऐसे हम सब बोलते हैं घर पे। बट हमें इंग्लिश में इसको क्या बोलना है ये हमें नहीं पता रहता है। इंग्लिश का बेस यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमें जो हम घर पे बोलते हैं उनको उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहीं से शुरुआत होती है इंग्लिश की, यहीं से इंग्लिश की जर्नी शुरुआत होती है। तो आप इस वीडियो का अंत तक बने रहेगा और आने वाली वीडियो को आप जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से इंग्लिश का बेस पढ़ाया जा रहा है। क्या चाहिए भैया, क्या चाहिए? अब देखिए यहाँ पे ये चारों आपको क्लियर हो गई होगी, मैं तुम आप हम वे। आइए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड देखिए अब यहाँ पे आ गया है ही। सबसे पहला वर्ड हमारा इंग्लिश का है ही। ही देखिए अब ये मेल के लिए होगा, मेल मानी यानी पुरुष के लिए। जो ही है, ही का मतलब होता है वह। आप बोलते नहीं वह कहाँ जा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह नहाने जा रहा है। तो हिंदी में जो हमारा वह है तो वह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही बोलेंगे। वह को ही बोलेंगे। और ये जो प्रोसेस होता है ही जो होता है हम मेल के लिए यूज करते हैं। ही किसके लिए यूज करते हैं? मेल यानी कि पुरुष के लिए, यानी कि आदमी के लिए। कोई आदमी है, कोई लड़का है, जब हम बोलेंगे वह, तो अगर आदमी है या लड़का है तो हम उसे बोलेंगे ही। अगर वह लड़की है यानी कि फीमेल है, यहाँ पे देखिए महिला के लिए, महिला के लिए, वह जो है महिला के लिए होगा सी। जो हम वह बोलेंगे, अगर कोई महिला है, कोई लड़की है, तो हम ऐसे बोलेंगे वह। वह की स्पेलिंग क्या होगी इंग्लिश की? सी होगी। लड़की है तो सी और लड़का है तो ही। आई होप क्लियर हो गया होगा, इसको आप कॉन्सेप्ट वाइज समझते चलिए। इसको देखिए, अब देखिए अगला वर्ड हमारा क्या है? यह।
तो यह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? इट बोलते हैं। यह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट बोलेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। यह को इंग्लिश में इट। नेक्स्ट है हमारा, नहीं बोलते हैं ये हमारी चीज है, ये हमारा चीज है, ऐसे बोलते हैं हम ना। तो हमारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आवर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आवर बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे भैया? आवर। हमारा को इंग्लिश में बोलेंगे आवर, हमारा, हमारी, ऐसे हम बोलते हैं ना हमारा। तो हमारा को इंग्लिश में बोल देंगे आवर। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? उनका। हम नहीं बोलते हैं ये उनका सामान है, अब ये उनका सामान है, ऐसे वो नहीं बोलते हैं ये उनका है, ये उनकी है। तो ऐसे जो उनका है उनकी है ऐसे बोलते हैं हम ना। तो उनका की स्पेलिंग होती है जब हम बोलते हैं किसी चीज को ये चीज उनकी है, ऐसे बोलते हैं ना। तो उनका को इंग्लिश में बोलते हैं देयर। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंग्लिश में डिफरेंस है भैया। टी एच ई आई आर है, टी एच ई आई आर है कि नहीं, कि टी एच ई आर ई नहीं है, TH TH EIR। यहाँ पे TH EIR, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देर दो तरह का होता है, TH ERE होता है एक, एक TH EIR। यहाँ पे देर मिस उनका। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है भैया उसका। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? उसका। उसका, उसका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिज। और ये होता है मेल के लिए, जब हम कोई आदमी से कहते हैं ये उसकी चीज है। जब कोई आदमी रहता है, आदमी को, आदमी को जब कोई, मतलब कि वो आदमी की चीज है, यानी कि पुरुष की है, यानी कि वो लड़का है, लड़की नहीं है। जब वो लड़का रहता है तो हम उसका के लिए हिज का यूज करते हैं। जब कोई चीज उसकी रहती है, मतलब कोई लड़का है उसको बोले ये उसका सामान है, ये उसकी चीज है। तो उसका को भैया हम मेल के लिए हिज का यूज करेंगे, उसका के लिए, मेल के लिए हिज का। नेक्स्ट है भैया उसकी। उसकी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसकी, उसकी कोई लड़की की बात की जा रही है, उसका कोई लड़का है, उसका बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे ना, उसका लड़का है, और बोलेंगे उसकी तो लड़की होगी ना, तो लड़की होगी, तो लड़की के लिए फीमेल, फीमेल के लिए हर का यूज करेंगे, फीमेल के लिए हर का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर होता जा रहा होगा कॉन्सेप्ट आपका। तो देखिए आपको उसके जब बोलना होगा तो आप बोलेंगे फीमेल के लिए भैया हर। उसकी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अगर फीमेल रहेगी तो बोलेंगे हर, हर, हर बोलेंगे ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट भैया इसका, हम बोलते नहीं है ये इसका है, मतलब कि कोई चीज है, कोई लड़का लड़की दोनों को मिक्स करके बोलेंगे ये इसकी चीज है, इसका है। तो इसका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट्स, इट्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका को इंग्लिश में क्या बोल देंगे? इट्स। नेक्स्ट है, तो ये हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? हम। बोलते हैं ना हम जा रहे हैं, हम नहाने जा रहे हैं, हम खाना खाने जा रहे हैं, तो हम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अस बोलेंगे। हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस बोलते हैं। हम को इंग्लिश में अस बोलते हैं। तो भैया नेक्स्ट वर्ड क्या है? मुझे। मुझे नहीं बोलते हैं मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद है। तो मुझे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप तो ये हमेशा बोलते हैं भैया, आप ये हमेशा बोलते हैं मुझे। मुझे की इंग्लिश होती है मी। मुझे की इंग्लिश क्या होती है? मी। मुझे की इंग्लिश में बोलते हैं भैया मी। नेक्स्ट है उन्हें। हम बोलते हैं ना उन्हें, इनकी, उन्हें इस चीज की जरूरत होगी। वो जैसे मैच खेलने गए हैं बहुत लोग, मतलब उन्हें, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उन्हें, उन्हें यानी बहुत सारे लोग हैं, उन्हें को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देम बोलेंगे। उन्हें को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देम बोलेंगे। नेक्स्ट है इस। इस, अब दिस है भैया, दिस को, दिस को हिंदी में बोलते हैं इस। इस जैसे यह कोई चीज है आपके पास ही है तो बोलेंगे इस सामान में, इस उस सामान में, ऐसे बोलेंगे ना। तो इस सामान में जब आप बोलेंगे तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दिस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस बोलते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा दैट। अब वहां पे दिस था, यहाँ पे दैट आ गया, दिस दैट, दोनों मैचिंग मैचिंग हो रहा है, दिस और दैट। तो हमारा वह का मतलब क्या होता है? वह का मतलब होता है दैट। नेक्स्ट है भैया इन। इस, इन का मतलब होता है दिस। ऐसे जब बहुत सारे लोग रहते हैं हमारे पास में रहते हैं, मतलब कि हमारे पास में है और हमारे नजदीक है, तो इन बोलेंगे हम। इन मतलब कि बहुत सारे लोग हैं वहां पे। इनका मतलब क्या हो गया तब वहां पे? इनका मतलब हो गया दिस। इनका मतलब क्या हो गया? दिस हो गया। जब बहुत सारे लोग रहेंगे हमारे पास रहेंगे तो यहाँ पे इनका मतलब दीस। यहाँ पे दीस का मतलब होता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग हमारे कुछ पास हैं, मतलब कि थोड़े लोग हैं, या कि अकेला नहीं है,
बंदा वो है अकेला नहीं है, हमारे पास कुछ लोग हैं, तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे, दीज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है वे। अब देखिए यहाँ पे वे, वे का मतलब क्या हो गया, हमसे कोई दूर हो और थोड़ा मतलब कि एक एक पर्सन ना हो, डबल ट्रिपल ऐसे मतलब दो तीन चार पांच दस तक हो, मतलब कि एक नहीं हो, एक अकेला ना हो, उसके बाद जो भी हो। वे, वे का मतलब हो जाए दोस्त, अकेला बंदा नहीं है, बंदे बहुत सारे लोग हैं, वे हैं हमसे दूर, तो हम वे की जगह किसका यूज करेंगे, दोस्त का यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्या, आप तो बोलते हैं ना क्या, आप बोलते हैं क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे वो आप बोलते हैं ना क्या, तो क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। आई होप आप ये सबको पता होगा, व्हाट, आई होप ये आपको सबको पता होगा, पता था ना, पता था पता था, क्या कहूँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप बोलते हैं ना कौन, जैसे कोई आपसे बोल दिया वो तुम्हें बुला रहा है, तो आप बोलते हैं कौन बुला रहा है, तो कौन बोलते हैं ना, आप कौन बोलते हैं, इंग्लिश में इसे नहीं जानते तो कौन का मतलब होता है हु, कौन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हु बोलते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है, कौन का मतलब होता है हु, कौन का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हु बोलते हैं। आपको अगर समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा, आप बोलते हैं ना, जैसे आप कपड़ा लेने गए तो बोलने कौन सा लें, ये वाला लें ये वाला लें, आप बोलते हैं कौन सा, तो कौन सा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विच, कौन सा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विच बोलते हैं। नेक्स्ट है कब, आप बोलते हैं ना वो तुम्हें कल बुलाया है, तो आप बोलते हैं कब बुलाया है, सुबह में बुलाया है, शाम को बुलाया है, रात को बुलाया है, तो ऐसे बोलते हैं, तो कब, तो कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन बोलते हैं, कब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हेन बोलेंगे, कब को इंग्लिश में व्हेन बोलेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट, कब को इंग्लिश में व्हेन बोलेंगे। नेक्स्ट है भैया, आप बोलते हैं क्यों, जैसे आप घर पे हैं तो आपको कोई बुलाया तो आप बोलेंगे क्यों बुला रहे हैं, क्या काम है, तो आप बोलते हैं ना क्यों, तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाई। आई होप ये भी आप सभी को पता होगा, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, और क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, तो भैया हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, किसका, आप बोलते हैं ना ये चीज किसकी है, ये चीज किसका है, तो आप वहां पे हुज का यूज करेंगे, किसका यूज, हुज का, WHOSE, हुज, हुज मींस किसका। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है किसको, आप बोलते हैं ना ये चीज उनको दे देना, तो आप बोलेंगे किसको, नाम पता बताइए कुछ, तो किसको, आप ऐसे बोल देंगे ना किसको देना है भैया, तो आप ऐसे जब बोलेंगे किसको, तो किसको को इंग्लिश में बोलते हैं हुम, किसको को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हुम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, हुम बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कहाँ, तो आप बोलते हैं ना कोई आपसे बोला कि वहां भाई चलना है, तो आप बोलेंगे कहाँ चलना है, तो कहाँ ऐसे बोलेंगे ना, तो कहाँ, इसे बढ़िया आप इंग्लिश में इसे बोलिए, सीख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन। वेयर, वेयर 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 मैंने कहाँ, और कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेयर बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, व्हाट फॉर, किस लिए, आप बोलेंगे ना किस लिए जा रहा है भाई, आप बोलेंगे किस लिए वहां पे जाना, मेरे को क्या काम है, किस लिए, ऐसे बोलेंगे ना आप, तो किस लिए को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट फॉर, व्हाट फॉर, किस लिए। आई होप क्लियर होता जा रहा होगा आपका कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी, आप बोलते ना कहाँ जाना है, कहें यहाँ ऐसे ही बस घूमने जाना, जहाँ कहीं भी चल चले, इधर ही अपने एरिया में घूमने चल चले, जहाँ कहीं भी, ऐसे आप बोलते ना जहाँ कहीं भी चले, तो जहाँ कहीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, वेयर एवर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जब कभी कोई आया आपसे बोला कि भाई वहाँ चलना है, तो आप खाली है, तो आप बोलेंगे, आप भी बोलेंगे जब कभी भी चल चल, तो ऐसे आप बोलेंगे ना जब कभी, तो जब कभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन एवर, व्हेन एवर, व्हेन एवर को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, जब कभी, और जब कभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन एवर। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। नेक्स्ट है भैया पूछना, किसी से आप पूछते हैं ना, पूछना बताना, तो पूछना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चल भाई कोई बात हो गई, कोई मैटर हो गया, तो आप उससे जाएंगे पूछने,
तो उससे बोलेंगे चल पूछते हैं उससे। तो वही पूछना जो आप काम करने जा रहे हो उसे पूछने जा रहे हो उसी पूछने को इंग्लिश में बोलते हैं आस्क। इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? आस्क बोलते हैं। पूछना को इंग्लिश में आस्क बोलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है भाई। तो आप देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है भैया? बताना। आप किसी को कोई चीज बता रहे, जैसे आप पूछने गए तो वो आपको बता रहा है, तो आप वो काम क्या करना है? देखिए वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया, कोई क्रिया आप कर रहे हैं, खाने का, नहाने का, पीने का, धोने का, कोई भी हो गया। तो आप जैसे बोलने का काम कर रहे हैं वो बता रहा है ना, तो बताना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? टेल। बताना को इंग्लिश में टेल बोलते हैं। एंड का मतलब समाप्त। आपको इस चैनल के प्रति इंग्लिश में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ये वाली वीडियो। तो आज की इस वीडियो का अंत यही पे कर देते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।